हाय फैमिली, गुड मॉर्निंग. सो आई जस्ट वोक अप, और क्योंकि मुझे सुबह सुबह थोड़ा मॉर्निंग सिकनेस होता है, तो इसीलिए मुझे डॉक्टर्स ने कहा है कि बिना ब्रश किए हुए आपको कुछ खाना होगा. तो मैं हमेशा अपने पास ड्राई फ्रूट्स रख के सोती हूँ, तो उठते ही सबसे पहले थोड़े ड्राई फ्रूट्स खाती हूँ विदाउट ब्रशिंग, क्योंकि कुछ सुबह सुबह कुछ ड्राई खाना होता है, अगर आप कुछ लिक्विड्स ले लोगे तो यू विल फील लाइक थ्रोइंग अप. तो इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स खा रही हूँ, और उसके बाद आई ड्रिंक सम वाटर. तो पानी पीने के लिए मैं अपने पास ये मिट्टी का जग रख के सोती हूँ, जिसमें जो है पानी, गर्मियाँ बहुत है तो ठंडा भी रहता है, और मिट्टी की जो खुशबू है वो मुझे बहुत पसंद है. तो जब मिट्टी के ग्लास में और मिट्टी के जग से पानी पीते हैं तो उसमें भिनी भिनी मिट्टी की खुशबू आती रहती है, जो मुझे बहुत पसंद है. बहुत ड्राई होते हैं, बहुत चिप होते हैं, तो इसीलिए मैं अपने पास ये सिनेमन का लिप बाम रख के सोती हूँ, जिससे आई फील गुड. तो बेड से उतरने से पहले मैं थोड़ा सा ध्यान करती हूँ, तो मैं एक काम मॉर्निंग म्यूजिक लगाकर और सिर्फ थोड़ी देर के लिए बैठती हूँ, ताकि क्योंकि सुबह सुबह आपको अपने आप को धीरे धीरे सब स्टार्ट करना होता है, धीरे धीरे कामनेस के साथ सब स्टार्ट करना होता है. तो मैं सिर्फ एक मॉर्निंग म्यूज़िक लगा के और सिर्फ थोड़ी देर ध्यान करती हूँ, और इस ध्यान के टाइम आपको सिर्फ ब्रीदिंग करनी होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग. कुछ कृष्ण भजन सुनने का मन होता है वो भी सुन सकते हैं, जैसे मैं कभी कभी मेरा मन होता है तो कभी कभी मैं कृष्ण भजन भी सुनती हूँ. उसके बाद मैं अपना, जो मैंने अक्सर आपको बताया है कि मैं पैर जमीन पर रखने से पहले करागरे वस्ते लक्ष्मी कर वधे तो सरस्वती कर मूले तो गोविंद कर अब चलते हैं, थोड़ा सा फ्रेशन अप होते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करने वाले हैं. सो अब मैं फेस वॉश कर रही हूँ. फेस वॉश में वाओ स्किन साइंस ब्राइटनिंग विटामिन सी फोमिंग फेस वॉश, ये मुझे इसलिए पसंद है बिकॉज़ ये विटामिन सी है और मुझे विटामिन सी के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है. इट हेल्प्स इन क्लींजिंग योर फेस एंड इट रिमूव्स डेड स्किन एंड इम्प्योरिटीज एंड मेक योर स्किन ब्राइटन एंड ग्लोई. इट हैज विटामिन सी, हेलुरोनिक एसिड, लेमन एंड ऑरेंज एसेंशियल ऑयल, विच हेल्प्स इन रिमूविंग डलनेस एंड यू फील क्वाइट फ्रेश होल डे. अब बारी है वाव स्किन साइंस विटामिन सी क्ले फेस मास्क. ये फेस मास्क आपके फेस को हाइड्रेट करता है, इम्प्योरिटीज और डर्ट्स को क्लीन करता है, स्किन को ब्राइटन और टाइटन करता है. सो मैंने अपना मास्क अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और अब नाउ आई हैव टू सिट फॉर 15-20 मिनट्स. And after that, I'll wash my face और उसके बाद बताती हूँ कि मैं क्या करूँगी.
यूज करने जा रही हूँ विटामिन सी टोनर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन के लिए। वाओ स्किन साइंस विटामिन सी स्किन मिस्ट टोनर। लेट इट ड्राई, इसे आपको रब नहीं करना है, लेट इट ड्राई लाइक दैट। सो नाउ ये अच्छे से ड्राई हो गया है, आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी मेरी स्किन थोड़ी ग्लो करने लग गई है। अब मैं अप्लाई करने जा रही हूँ वाओ स्किन साइंस विटामिन सी फेस सीरम। इसमें विटामिन सी हाइलुरोनिक एसिड विद ऑरेंज एंड लेमन है, जो हेल्प्स इन फेडिंग पिगमेंटेशन एंड इम्प्रूव इलास्टिसिटी इन द स्किन। इसके बाद आप इसे अच्छे से रब कर लीजिए हल्के हाथ से। So, ये मेरा मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट हो चुका है। अब मैं जा रही हूँ, बहुत जोर से भूख लग गई है और डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि ज़्यादा गैप नहीं करना है आपके डिनर और ब्रेकफास्ट के बीच में। तो हालांकि मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स खाए हैं लेकिन उससे कुछ नहीं हो रहा है। मैं जा रही हूँ थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करने के लिए। ब्रेकफास्ट में आई एम हैविंग इडली, और इडली जो है मुझे सांभर में डिप करके खाना बहुत पसंद है, तो मैं सांभर में डिप करके इडली खाने वाली हूँ। आई जस्ट लव इडली। मुझे साउथ इंडियन खाना ना कितना भी खिला दो आई डोंट गेट टायर्ड। बेसिकली मेरा एक कमिटमेंट था, एक ब्रांड के लिए शूट करना था, तो क्योंकि कमिट किया हुआ था तो करना ज़रूरी है। आज मेरी तबीयत भी कुछ खास ठीक नहीं थी लेकिन फिर भी दवाई लेके मैंने कहा कि ये कमिटमेंट है इसलिए मुझे शूट करना ही होगा। तो बस शूट मेरा जस्ट अभी भी फिनिश हुआ है, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बता दूँ कि मैं आज क्या कर रही हूँ। और आई थिंक हमारे इस वीडियो के लिए भी इतना काफ़ी है। दैट्स इट फॉर टुडे। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। Thank you.